एमजी मोटर इंडिया ने 12,18,000 रुपए शुरुआती कीमत पर भारत में हेक्टर एसयूवी लॉन्च कर दी है, जिसके पेट्रोल टॉप मॉडल की कीमत 16,78,000 रुपए तक जाती है। वहीं हेक्टर के डीजल टॉप मॉडल की कीमत 16,88,000 रुपए तक रखी गई है। वहीं हेक्टर के डीजल टॉप मॉडल की कीमत 16,88,000 रुपए रखी गई है। एमजी ने हेक्टर एसयूवी को 4 वेरिएंट्स स्टाइल, सुपर, स्मार्ट और शार्प में उपलब्ध कराया है और ये सेगमेंट की पहली कनेक्टेड कार है। कंपनी ने 120 सेंटर्स के साथ काम शुरू किया है और सितंबर तक सेंटर्स की ये संख्या 250 तक पहुंच जाएगी। एमजी हेक्टर की बुकिंग आज लगभग 10,000 के आसपास है। आज के दिन में हमारे जो पिछले 23 दिन से लोगों ने बुकिंग शुरू करी थी, आपको याद होगा जून 4 को हमने बुकिंग अनाउंस करी है और आज जून 27 है, तो इस दौरान हमारे पास 10,000 के आसपास की बुकिंग्स हैं और डिलीवरी हम शुरू करेंगे 1st week of July से। एमजी ने भारतीय ग्राहकों को अब तक की बेहतरीन कनेक्टेड कार तकनीक उपलब्ध कराई है। एसयूवी में वर्टिकली माउंटेड 10.4 इंच का स्क्रीन लगाया गया है, जो पहले से एंटरटेनमेंट कंटेंट से लैस है और व्हीकल की पूरी सेटिंग के साथ और भी कई काम में सहायता करता है। हेक्टर के साथ 3 इंजन विकल्प और ट्रांसमिशन मुहैया कराए गए हैं। कार के डीजल वेरिएंट में फिएट से लिया गया 2 लीटर इंजन लगाया गया है। जो 168 bhp पावर और 350 nm पीक टॉर्क जनरेट करता है और इस इंजन को सामान्य तौर पर 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन दिया गया है, जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है और 141 bhp पावर के साथ 250 nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। हेक्टर पेट्रोल के 1.5 लीटर इंजन के साथ 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है, जो 6 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है। बता दें कि कंपनी ने पहले ही इस एसयूवी की 10,000 बुकिंग्स हासिल कर ली है। BMW मोटोरेड ने भारत में नई जनरेशन S1000RR सुपरबाइक लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 18,50,000 रुपए रखी गई है और टॉप मॉडल के लिए ये कीमत 22,95,000 तक जाती है। BMW S1000RR में नए बॉडी वर्क के साथ नया इंजन भी दिया गया है। बाइक की स्टाइल अब और आकर्षक हो गई है, लेकिन कंपनी ने बाइक में कंपनी का आइकॉनिक एसिमेट्रिकल हेडलैम्प नहीं दिया है, जो 2009 से BMW S1000RR में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी जगह बाइक में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले बाइक को नया लुक देता है। Motorcycle is much better in all areas than the predecessor. Where do I start? First of all, engine performance. 207 horsepower at 30,500 RPM, it's really a great performance. It's not only that, with the shift cam technology, we have a very smooth power performance also in the low and middle RPM range. That's the first thing, the new engine. Secondly is the lightweight engine, which is 4 kilograms lighter than the predecessor, and that's a big number if you consider that in this segment we play with grams. S1000RR में BMW ने 998cc का inline 4 इंजन दिया है, जो 204 bhp पावर और 113 nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं बाइक का इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स और बाईडायरेक्शनल किक शिफ्टर से लैस है। इसमें BMW मोटोरेड की शिफ्ट केम तकनीक दी गई है, जो बॉटम एंड मिड रेंज में बाइक के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। पुराने मॉडल की तुलना में नई बाइक का इंजन 4 किलोग्राम हल्का है। इसके साथ ही राइडिंग ज्योमेट्री नई है और विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक डंपिंग कंट्रोल दिया गया है। BMW S1000RR के साथ 4 राइडिंग मोड्स सामान्य तौर पर उपलब्ध हैं, जिनमें रोड, रेन, डायनेमिक और रेस शामिल है। इसके अलावा कंपनी 3 प्रो मोड भी उपलब्ध कराएगी, जिसमें लॉन्च कंट्रोल और पिट लेन स्पीड लिमिटर शामिल है। इसके अलावा बाइक में 6 एक्सिस सेंटर क्लस्टर मिला है, जो ABS, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल को कंट्रोल करता है। अंत में नई जनरेशन BMW S1000RR में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है।